हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मो फ्यूजन। और मैं हूँ राजश्री। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीशो किचन वेयर आइटम्स। मैंने कुछ आपके लिए किचन वेयर आइटम्स मंगवाए हैं जिनके रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि जो किचन वेयर आइटम्स हैं मीशो के, वो किस तरीके के हैं, आपको वो लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद बेल आइकन दबाना प्लीज़ ना भूलें और ऑल कर देना उसके बाद। इससे क्या होगा कि आपकी जो आपको मेरी सारी जो वीडियोस जो होंगी, जो भी नोटिफिकेशंस होंगी, आपको पता चल जाएंगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके यूट्यूब पर आ जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, मैं वन बाई वन करके आपको उनके रिव्यूज़ देती हूँ और बताती हूँ उनके प्राइस क्या है और कैसे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आइटम है जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है मीशो कप्स। ये इस तरीके के कप्स हैं, आपने देखे ही होंगे ये वैसे उसमें। अगर नहीं भी देखे हैं तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। ये देख सकते हो, आपकी ये कप सेट है दोनों का। तो मैं आपको बताती हूँ अभी। फर्स्ट ये है मिनी और मिकी और मिनी है, आपको पता ही होगा कि इनका कार्टून होता है ये, और मेनली जो गर्ल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, और उसके कप्स भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, इसके सिर्फ एक ही साइड पे आपको इसका प्रिंट मिलेगा, और जो ये प्रिंट है आपके सामने ही है कि बिल्कुल क्लियर प्रिंट है ये। एक्चुअली मैं इसको दो तीन दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे से लग गया था यहाँ पर, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा, आपको काफ़ी अच्छा इसको जाएगा। उसके बाद ये इसके बैक साइड में इस तरीके का आपको मिलता है, उसके अंदर भी आपको ऐसे ही मिलेगा, तो इसके नीचे से बिल्कुल आपको प्लेन मिलता है। और काफ़ी अच्छा ये मग है, मिल्क मग है कि कॉफ़ी मग बोल सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है। और गिफ्ट करने के लिए किसी को, या तो अगर आप अपने लिए भी ले रहे हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। और सेकेंड पार्ट रहा इसका ये वाला, ये मिनी है, आपको आपने देखा ही होगा वैसे, और अगर नहीं भी देखा है तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये कप्स हैं। ये देखो इस तरीके के हम अगर रखेंगे तो ये कितने प्यारे ये लग रहे हैं। आप गिफ्ट दोगे किसी को, किसी कपल को गिफ्ट करते हो आप, या फिर अपने अपने पार्टनर को या किसी को गिफ्ट करोगे आप, तो को बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये सेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसका जो प्राइस है इसका 280 के दोनों मुझे मिलेगी, बहुत अच्छा कॉम्बो पैक था। तो आपको ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में भी मिलेंगे, ये ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि यार कप है इतनी दूर से आएंगे तो ये टूट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत अच्छे उन्होंने प्रॉपर पैक करके भेजे थे, 2-3 कवरिंग थी पैकेज, उसमें थर्मोकोल वगैरह लगा हुआ था, उसके बीच में ये डाले हुए थे उन्होंने, तो पूरा प्रॉपर पैक करके उन्होंने दिया था। तो बहुत ही अच्छे ये कप्स हैं और ये बिल्कुल भी टूटने वाले नहीं है, और की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, देख सकते हो आपकी जो इसकी लेंथ ब्रेथ वगैरह भी काफ़ी अच्छा इसमें, मतलब कि आपको जो भी अगर आप डालोगे इसमें तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो भी बहुत अच्छी, मिल्क की क्वांटिटी या फिर चाय या कॉफ़ी कुछ भी होगा तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट जो कप सेट है ये रहा, तो ये बहुत अच्छे हैं, आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो, ट्राई करो इसको, बहुत ही अच्छे हैं ये, ठीक है। सेकंड ये रहा है फर्स्ट कप सेट, एंड सेकंड जो मैंने मंगवाया है वो इस तरीके का है, आपने ये देखा होगा, आपने अगर इसकी फ़ोटोज़ भी देखी होगी, आप सर्च कर रहे हो कि हम किचन वेयर के आइटम्स, मतलब किचन की आइटम्स हमें लेनी है तो हम क्या लें या नहीं लें, तो आपके सामने बिल्कुल ये आप ले सकते हैं। तो उसके बाद ये आपको सेट मिलता है, ये देख सकते हो आप कि ये बिल्कुल सेट इस मतलब इस तरीके का आपको ब्लैक बाहर से इसका मिलता है आपको, और अंदर से ये है येलो कलर में, और जो बाहर से जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैं 3-4 डेज से इसको यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, इसके जो कलर हैं अंदर से ये बिल्कुल नहीं गए, और नीचे से भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इसकी क्वान्टिटी और जो उसकी क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक मुझे रिसीव हुआ है येलो कलर, एक मुझे रिसीव हुआ है ब्लू कलर। इसमें आपको 2-3 कलर्स और भी मिलते हैं, आपको ऑरेंज मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा, और इसके बाहर से बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक मिलेंगे, सिर्फ जो अंदर से जो इसका कलर है वो आपको चेंज मिलेगा। तो आप अपनी पसंद से कोई भी कलर्स मंगवा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बो पैक, और इसका प्राइस भी 270-280 के आसपास आपको मिलेगा। ये दोनों कप ये बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे लगे थे, और इसकी पैकेजिंग भी आपको उसी तरीके की थर्मोकोल बॉक्स में मिलती है, और साइड में उन्होंने पूरा कवर किया होगा, बिल्कुल भी टूटने का कोई खतरा नहीं है। अगर आपको
कोई भी टूटे हुए प्रोडक्ट या फिर कुछ भी रिसीव होगा तो आप उसको रिप्लेस करा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, आपका रिप्लेस हो जाएगा और आपके घर से वो ले जाएंगे और आपको जो न्यू जो पैकेज होगी, जो पैक होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे कप सेट मुझे मिले थे और काफ़ी अच्छे हैं। और जो थर्ड मेरी आइटम है जो मैंने मंगवाई है वो है ये कप स्टैंड। आप देख रहे हो कि इस तरीके का कप स्टैंड है। एक्चुअली अगर हमारे घर पे बहुत ही अगर वैरायटीज़ हैं कप्स की तो हमें अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगे, मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि मैं उसको बिल्कुल उसको प्रॉपर टंग के रखूँ, मतलब बिल्कुल भी टूटे ना, हम प्रॉपर ऐसा लग रखे हो तो बहुत अच्छा एक डेकोरेशन की तरह आपके किचन में एक रहेगा। इसलिए मैंने ये कप स्टैंड मंगवाया है जिसमें आप देख रहे हो कि बिल्कुल इस तरीके का स्टील की तरह आपको ये मिलेगा और इसकी लेंथ वगैरह भी ठीक है और बिल्कुल प्रॉपर आप इस तरीके का रख सकते हो। ये कोई भी इसके ऊपर से कोई भी जो कप्स वगैरह हैं वो नहीं गिरेंगे, नहीं टूटेंगे। तो ये इस तरीके का आपको कप स्टैंड मिलता है। तो इस तरीके आपको इसकी लूप्स मिल जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 इस तरफ है, 12 आपको मतलब क्या 12 कप्स इस पर आप अपने टंग सकते हो। अब आप देख लेते हैं कि इसमें जो कप्स हैं उसमें कौन से साइज के आप इसमें कप टंग सकते हो, मतलब कि कौन से लटका सकते हो, इसमें रख सकते हो। तो जहाँ तो बड़े आ सकते हैं, छोटे आ सकते हैं, मैं आपके सामने ही आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि मेरे को लगा था जब मैंने मंगवाया था, मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, बट थोड़ा सा मुझे छोटे साइज़ में मुझे लगा ये। तो इसमें मैं आपको आपके सामने ही इसको दिखाती हूँ कि इसमें कौन कौन से टाइप के कप इसमें आ सकते हैं और कितनी जो ये स्पेस है कितनी कवर करते हैं। तो जो जैसे मैंने ये कप मंगवाए थे मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ये मैं इसमें एक कप डाल रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ी स्पेस आपके सामने है कि इसमें मैंने पकड़ा है, ठीक है। अगर आप एक ऊपर अगर आप डालते हो, एक आप अगर इस तरफ भी डालते हो तो इसमें जो स्पेस है वो बड़े वाले कप्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि मिल्क कप का साइज़ कितना होता है, वो जो बिल्कुल जो छोटे वाले जो चाय वाले कप्स होते हैं तो उसका साइज़ क्या है, ये आपके सामने है कि जो ये बड़ा वाला जो कप है इसमें काफ़ी स्पेस कवर कर रहा है। और इनके बीच में सेकेंड वाले जो अगर हम उसमें टंगेंगे, ये देख सकते हो आपकी ये सेकंड वाला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे डालूँ क्या करूँ। ये देख सकते हो आपकी, अगर मैं सेकंड वाला करूँगी तो मुझे इसके नीचे डालना पड़ेगा, जहाँ पर अगर मैं डालूँगी तो ये ऐसे करके और ऐसे करके आएगा, ठीक है। मतलब कि आपके सामने है कि इसका जो स्पेस है थोड़ी सी एक कप से दूसरे कप के बीच में वो बहुत ही कम है। इसमें आप अपने छोटे वाले जो कप होते हैं, जो कप सेट होते हैं, जो बिल्कुल छोटे वाले चाय वाले होते हैं, वो पूरे आप प्रॉपर आप इसमें डाल सकते हो। पर जो बड़े वाले कप्स हैं वो एक आएगा इधर और इधर इस तरफ में डालने के लिए आपको इतनी स्पेस नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसका थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज ये लगी कि ये बड़े वाले कप्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये छोटे वाले कप्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आप पूरा सेट लो उसको बिल्कुल, आप प्रॉपर इसको आप एक यहाँ करके आप डाल दोगे तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन जो बड़े वाले कप्स है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये मुझे डिसएडवांटेज लगा था इस तरीके के, मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया क्योंकि ठीक लगता है किचन में भी ये है, अगर छोटे वाले भी रखोगे फिर भी ठीक ही है। तो इसको जो प्राइस की बात कर ले, इसका प्राइस मुझे 300 के आसपास मिला। मुझे थोड़ा सा प्राइस इसका ज़्यादा लगा क्योंकि इसकी लेंथ भी इतनी नहीं है कि हम बड़े वाले कप्स कर सकें। मुझे अगर 200 का मिलता तो बेटर था, बट मुझे 300 का मिला है इसलिए थोड़ा सा मुझे इसका प्राइस जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आप ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई टूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, छोटे कप्स के लिए, ठीक है। तो ये रहा मेरा थर्ड आइटम। एंड फोर्थ वन इज़ द कटर। ये आएगा क्लेवर कटर, ये 2-in-1 कटर आपको मिलेगा। ये हमारी किचन टूल है, ये हमारे किचन के लिए काफ़ी यूज़फुल है और बहुत ही काम आने वाला है, तो इसलिए मैंने ये भी मंगवाया था अपने लिए। तो ये है क्लेवर कटर। ये कटर मतलब कि जैसे आप सब्जी वगैरह काटते हो तो ये उसके नीचे इसमें लिखा हुआ है कि नाइफ़ एंड कटिंग बोर्ड। जैसे हम कटिंग बोर्ड भी रखते हैं घर पे, उस पर नाइफ से ऊपर बिल्कुल ऐसे करके काटते हैं, तो ये दोनों का एक ही काम करेगा। तो मैं आपको उसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का आपको कटर मिलेगा। तो ये पूरा प्रॉपर बोर्ड एंड कटर है, ये इस तरीके का पीछे से बंद रहेगा आपके सामने, इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे और ये बिल्कुल ऐसे ओपन होगा,
इस तरीके का आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको शार्प नाइफ मिलेगी, शार्प बिल्कुल, और इसके नीचे ये बोर्ड की तरह लगा हुआ है आपके, जैसे हम कुछ भी काटते हैं तो हमारी जो फिंगर कटने का डर रहता है, इसमें वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको कोई भी चीज़ लेनी है उसको इस तरीके रखने में, फिंगर रख रही हूँ इस तरीके का आपको रखना है, और इसको सिर्फ चलाना है। इसमें कोई भी डर नहीं है आपका हाथ कटने का, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगी, और मैंने इसको यूज़ किया है। उसका जो ब्लेड है ये काफ़ी ज़्यादा शार्प भी है, ऐसा नहीं है कि कटेगा ही नहीं कोई भी। इसमें आप फ्रूट भी काट सकते हैं, मैंने एप्पल काट के भी देखा था। इसमें आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह, बीन्स वगैरह, कुछ भी अगर काटना होगा ना, आप इसमें काट सकते हो। जो जैसे कुकुम्बर वगैरह हो गया, कैरेट वगैरह होगी, कुछ भी होगा, आप इसको डेफिनेटली पूरा काट सकते हैं इसमें। इसमें कोई भी प्रॉपर मतलब कोई भी कुछ भी डर नहीं है कि आपके हाथ पर लगेगा, यहाँ तो ये यूज़फुल नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टूल है हमारी किचन के लिए, 2 in 1 है, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा था। तो मैं सोचता मैं ट्राई करती हूँ उसको, पर लेकिन ये बिल्कुल अच्छा है, जैसे उन्होंने दिखाया था ये बिल्कुल वैसा ही आया है। और इसका जो प्राइस है वो 130 रुपीज़, ये बहुत ही अच्छे प्राइस में भी मुझे मिला है, 130 रुपीज़ में। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप भी इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी आइटम्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे लगा था कि फर्स्ट टाइम मैंने मीशो से किचन आइटम्स मंगवाई हैं, तो मुझे लगा था कि शायद कैसी आती हैं कैसी नहीं आएंगी, लेकिन इसके रिव्यूज़ आपके साथ, जेन्युइन रिव्यूज़ मैं शेयर कर रही हूँ। ये कैसे हैं आप ले सकते हैं, और भी इसमें कप्स आपको मिलेंगे काफ़ी अच्छे, जो कॉम्बो पैक्स में अगर आप लेते हो तो वो आपको फ़ायदे में रहेगा। जो कप स्टैंड था उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये लगा मुझे कि वो बड़े वाले कप्स के लिए नहीं था, तो ये छोटे वाले कप्स के लिए है। आप अगर आपको छोटे वाले कप्स रखने के लिए चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, अगर बड़े के लिए चाहिए तो आप नहीं लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कोई भी मुझे किसी ने दिए नहीं हैं प्रोडक्ट्स, इसके रिव्यू शेयर करने के लिए, ये मेरे खुद के प्रोडक्ट्स हैं, मैं इनको यूज़ भी कर रही हूँ 3-4 डेज से, तो ये बहुत अच्छे आइटम्स हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपके साथ मैं रिव्यूज शेयर कर रही हूं। तो अगर आपको और भी कोई प्रोडक्ट्स चाहिए किचन के, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, और मैं अभी इनके जो कोड्स वगैरह होंगे वो मैं सब अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।